युवान, सो हम कहाँ जाने वाले हैं आज? बताओ बताओ कहाँ जाने वाले हैं? तो हम जाने वाले हैं कहीं, बट कहाँ जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में आपको लग जाएगा पता। चलिए चलते हैं और कुछ खाते हैं। यहाँ पे भी देखो साइन कहाँ है, दिखाओ। आप मुझे दिखो, आओ। क्यों टूटी है? नहीं टूटी है, चलाओ। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज हम निकलने लग गए हैं कहीं। अभी मैं हूँ अल्पाइन ढाबा, आपको पता होगा, कई बार मेरे मुंह से आप सुने होंगे जब भी हम जाते हैं हिमाचल की तरफ। यार घूमने का प्लान था, बहुत कुछ सोचा कहाँ जाऊँ। एंड में भाई एक ही ठिकाना हमारा है, वो है हिमाचल प्रदेश। फिर से हमने हिमाचल का ही टूर कर लिया और प्लान बना लिया है। शाही सवारी तैयार है जो हर बार होती है, आपको पता है, हमारा इनोवा। और यहाँ पे युवान खड़ा है, नानी उसकी खड़ी है, हाँ मैं, युवान और उसकी मम्मी कहाँ है भाई, मिल नहीं रही हैं। अरे सुसाइड करने जा रही है क्या? फिर हाईवे पे खड़ी है। ठंड लग रहा है अभी। ये तो जो शुरुआत है, अभी तो अंत बाकी है। पता कितना दूर जी जो वहाँ पर क्या टेम्परेचर है जहाँ जा रहे हैं? माइनस कितना? -11 रात के टाइम। चलो निकलते हैं। और ये युवान आजा, चलिए यहाँ पे कंटेंट भरते नहीं है, असली कंटेंट मिलेगा हमें वहाँ पे मनाली में। यार ये मेरे कैमरे का ना प्रॉब्लम पड़ा है। गुगू यहाँ पे अपना कार्यक्रम करता हुआ देखो। तो गाइस फाइनली पूरा रोड रूट हमने कुछ भी नहीं दिखाया आपको, सीधा सीधा हम खींच कर आए हैं गाड़ी और हम पहुंच गए हैं मनाली के पहाड़ों में। यहाँ पे गुगू आउटसाइड एंजॉय कर रहा है ठंड में। आजा गुगू अंदर, ठंड है बेटा, अंदर आ जाओ ठंड है। आप देख पा रहे हो पीछे स्नो और पहाड़, ये कॉटेज टाइप के हैं, देख रहे हो जैसे कॉटेज है। और यहाँ पे ये हमारा रूम है, ये है अनु, और यहाँ पे ये खाने का चीज़ें देख रही है। हमारे पास जो भी दिन है हम प्लान करेंगे, आपको दिखाएंगे कि मनाली में कैसा है। वैसे अगर अभी हम बात करें मनाली में टेम्परेचर, तो दिन में ठीक लग रहा है मुझे, सर्वाइवल है, बट रात को पता नहीं माइनस में दिखा रहा है। बट हाँ यार बहुत किस्मत ख़राब है, अगर दो दिन पहले आए होते ना यहाँ पर स्नोफॉल होके हटा है, और किस्मत इस बार स्नोफॉल नहीं, लेकिन मंडे अगर हम रुक जाएँ तो मंडे को स्नोफॉल इंटरनेट पे दिया हुआ है, माइनस में है टेम्परेचर, फुल ऑन स्नोफॉल है। तो लेट्स सी, अगर किस्मत रहा तो स्नोफॉल देखेंगे, है ना गुगु? हाँ, मैं तो शीशा में दिखा था। आप स्नोफॉल देखोगे? कुछ नहीं, रुक जा, रख दो बेटा, रख दो, गुड। आ जाओ गुगु, दिखाते गुगु को आउटसाइड में क्या है, क्योंकि अभी धूप खत्म हो जाएगी तो फिर थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाएगा और ठंड लगेगा। एनर्जी फुल है। क्या क्या खाया आपने? मैं तो मुझे खिचड़ी दलिया खाया। हाँ साइन, ये साइन है ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर। चलो स्लोली, हाँ मैं हैंड कर पकड़ लूँ। चलो क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सावधान। अच्छा। चलो अब ये देखो भाई, हम आ चुके हैं नीचे और यहाँ पे ये माहौल है, आप देख रहे हो ये वाले बिल्डिंग में हम हैं, और ऐसे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं इसमें, बहुत शानदार लग रहा है मतलब ये होटल। और ये जो व्यू है भाई अल्टीमेट, और यहाँ से हम बहुत जगह जा सकते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं जो युवान बोल रहा है, इसको जाना है स्विंग देखने, तो देखते हैं स्विंग यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। सो युवान आ जाओ, ये देखो गंदा है, ओह माय गॉड, ये देखो
ओ मम्मी मत ना यहाँ पे गिर जाएगा, मत ना गिर जाओगे नीचे, स्नो अच्छा है, काला है, ब्लैक स्नो है, ये देखो, चलो चलो। ओ भाई यहाँ पे भी स्नो है, यहाँ पे बहुत सारा स्नो है, आप देख पा रहे हो। और ये तो गिरना है, गंदा है, यहाँ पे नहीं जा सकता युवान, क्योंकि और ये देखो पानी, पूरा पानी है, ऊपर से आएगा और गिरना हो जाएगा, तो वहाँ पे हम नहीं जा सकते। बट हाँ यहाँ पे स्नो बहुत अच्छा है, इसके साथ हम खेल सकते हैं। लो लो ध्यान से इस पर मत जाना, देखो मम्मा है ना, देखो ऊपर से आओगे कपड़े सारे गीले हो जाएंगे, इस पर कर सकते हो स्विंग स्विंग, देखो इस पर, ये अच्छा है। नहीं बैठो, वहाँ पर बैठा रहे, बैठो। दिले नादान तुम, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दम पे जो मारा थोड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, हमें मनाली। यहाँ पे युवान खेल रहा है, देखो गया, आओ पहले आओ, पहले यहाँ पे आओ, बात करेंगे आपसे, बैठो। तुमको अच्छा बॉल लेके आओ, एक लेके आओ, चलो चलो चलो, पापा दे रहे, पापा पापा दे रहे, जाओ उधर जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ ए ले। सो गाइस समय हो गया है 7:30 के अराउंड का और हम निकलने लग गए हैं। कहाँ जा रहे हैं इवान? कर दो। सो हम निकलने लग गए हैं मॉल रोड के तरफ और बाहर पूरा अंधेरा कायम है और भाई मेरे को तो जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कहाँ से खुलेगा भाई, अरे 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 यहाँ से देखिएगा, बाहर पूरा अंधेरा कायम है, ये लाइटें जल रही हैं। निकलते हैं आउट से, देखते हैं कैसा माहौल है, क्या है, तुम लोग का हुआ नहीं अभी तक, चलो फिर। बढ़िया। तो फाइनली हम आ चुके हैं मॉल रोड। कौन सा कार है युवान? स्कॉर्पियो है, देखें। हाँ यार स्कॉर्पियो है। तुमको किसने बताया गुगु? आपको किसने बताया? तो ये आप देख पा रहे हो भीड़ भाई। विश्व की सबसे बड़ी निविदा, नया भारत नई सोच, आय है क्या, लाइट जला दिया। तो भीड़ तो अच्छा है यार, वैसे भीड़ तो अच्छा है वैसे, थोड़ा सा इसको वन पे ही सही था। सो देखते हैं, उतना ज़्यादा भीड़ नहीं है जितना कि लास्ट जब हम आए थे तब था, लेकिन हाँ भीड़ है, उतना खास भीड़ नहीं है जितना हम लास्ट टाइम आए थे। आ जा, क्या हो गया? उतना खास भीड़ नहीं है ना। देखते हैं कहाँ जा रहा है कि रोहतांग पास नहीं, सिसु बंद है और देखता हूँ खुला रहेगा या नहीं खुला रहेगा, मुझे नहीं पता है, बट हाँ कह रहे हैं कि बंद है, देखते हैं सिसु हो गया या कॉक्सर हो गया, बंद है। तो भाई गुगू का एक बुरा फिक्स है कि जहाँ जाता है वहाँ पर उसका रोना शुरू हो जाता है, टॉय शॉप, तो यहाँ पर उसको टॉय शॉप पर लेकर आ गए। कौन सा ले रहा है युवान? ये स्कूल बस ले रहा है, ये वाला देखो, ये निकलवाना भैया, चलो कौन सा, दोनों दे दो। ये थार कितने की? थार दिखाना, ये देखो थार देखो, थार लोगे। फिर माल रोड पे आपको यहाँ पे एक मंदिर भी मिल जाता है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। बढ़िया है ये फोटो, तो भाई बहुत देर यहाँ पर घूमने के बाद युवान ने लिया बैलून। हाँ चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ। Oh,
भाई यहाँ पे तो थोड़ा झुंडू का तो अभी सुनाई नहीं देगा। और यहाँ पे न्यूडल्स आ गए हैं, युवा न्यूडल्स आ रहे हैं। तो ये है भाई मनाली का माल रोड, नीचे आप देख पा रहे हो। और हम लोग हैं रूफटॉप कैफे है, रूफटॉप कैफे है। तो ये सारा आप देख पा रहे हो भाई मनाली का व्यू, नाइट व्यू, पूरा माल रोड आपको यहाँ से नजर आ रहा है क्लियर कट। और मेरा फोन हाथ से छूट के ना गिर जाए वरना बहुत नीचे जाएगा। वो लोग का हो गया है, यहाँ पे विंग्स वगैरह है भाई, देख रहे हो। युवान युवान तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने घर और घुस चुके हैं रजाई में। और मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कुछ खास आपने देखा नहीं होगा लेकिन माल रोड को करीब से देख लिया आपने। बर्फ़ वगैरह या आइस वगैरह जो भी देखना वो देखेंगे कल। कुछ गुगू की हंसियाँ मस्तियाँ और चुलबुली हरकतों के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। मिलते हैं किसी और व्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।